अनुष्का अकेडमी ग्वालियर में आज हम आप लोगों को सी टेट एनवायरमेंट की क्लास लेकर आए हैं। ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है, तो ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? पीपीएम में, पीपीबीबी में, डेसीबल्स में या डॉप्सन में? बताएं इसका आंसर। ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है डॉप्सन इकाई में। किस में नापी जाती है? डॉप्सन इकाई में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किया गया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब किया गया था? 1992, 1994, 1974, 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किया गया था तो 1974 में जल संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। कितना? 1974 में जल संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। कब हुआ था? लागू बनाया गया था 73 में, लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। अगला क्वेश्चन, संकेत समेकित बाल विकास सेवाओं का मुख्य उद्देश्य है। समेकित बाल विकास सेवाओं का मुख्य उद्देश्य है प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच एवं सिफारिश सेवाएं, पूर्व अनौपचारिक या सभी। बताएं इसका आंसर। समेकित बाल विकास सेवाओं का मुख्य उद्देश्य है प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच एवं सिफारिश सेवाएं, पूर्व अनौपचारिक। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी, या आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन, ISO 14000 मानक संबंधित है, प्रदूषण प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं इसका आंसर। ISO 14000 मानक संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रदूषण से, पर्यावरण से, सामान्य प्रबंधन से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ISO 14 मानक संबंधित है किससे? पर्यावरण प्रबंधन से। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा संग्रहित होती है, सौर ऊर्जा संग्रहित होती है किसमें? हरी पत्तियों में, जीवाश्म ईंधन में, बायोमास रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड में। बताएं इसका आंसर। सौर ऊर्जा संग्रहित होती है पत्तियों में नहीं होती है, जीवाश्म ईंधन में नहीं होती है, बायोमास रूप में नहीं होती है। आंसर इसका कार्बन डाइऑक्साइड। सौर ऊर्जा संग्रहित होती है कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला क्वेश्चन, कुछ जीव जैसे घास, सिंह प्राणी, चूहे, टिड्डे एवं मल एक खाली स्थान पर रहते हैं, सामूहिक रूप से इन्हें कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, जनसंख्या, पारस्परिक सहयोग, सामूहिक। क्या कहते हैं? बताएं इसका। तो जनसंख्या के अंतर्गत मानव, जनसंख्या के अंतर्गत मानव, पशु,
पक्षी, ये सभी आते हैं जनसंख्या के अंतर्गत। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कुछ जीव जैसे घास, सिंहपर्णी, चूहे, टिड्डे एवं मल एक खाली स्थान पर रहते हैं, सामूहिक रूप से इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से इन्हें कहते हैं, सामूहिक रूप से इन्हें कहते हैं, सामूहिक, एक समूह बनाकर रहते हैं इसीलिए इन्हें सामूहिक कहते हैं। तो आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन, फ्लाई एस अपशिष्ट उत्पादित होता है, फ्लाई एस अपशिष्ट उत्पादित होता है जल विद्युत परियोजना से, भूतापीय परियोजना से, घराट मिल्स, घराट बिन्स मिल से, थर्मल पावर परियोजना से। बताएं इसका आंसर। फ्लाई एस अपशिष्ट उत्पादित होता है थर्मल पावर परियोजना से। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन स्थित है दिल्ली में, देहरादून में, अहमदाबाद, हैदराबाद में, अहमदाबाद। बताएं इसका आंसर। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में वन अनुसंधान है। क्या है? वन अनुसंधान, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, लेकिन पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाली सबसे जहरीली जहरीला पदार्थ है अमोनिया, डाइक्लोन, कैडमियम, बेरियम। प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाली सबसे जहरीली जहरीला पदार्थ है कौन सा है? प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाला सबसे जहरीला पदार्थ है डाइक्लोन। क्या है? डाइक्लोन। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो अपिको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अपिको आंदोलन कर्नाटक से प्रारंभ हुआ और चिपको आंदोलन उत्तराखंड से हुआ। किस जगह से? उत्तराखंड से। इसका ध्यान रखें, ये उत्तराखंड से 1973 में हुआ चिपको आंदोलन, और लेकिन अपिको आंदोलन 1983 में झारखंड से हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सल्फर डाई ऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैविक सूचक संकेतक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? निम्न में से सल्फर डाई ऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैविक सूचक संकेतक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? ब्रोमाइड, ब्रायोफाइट्स, सेवाल, लाइकेन, स्यूडोमोनस। बताएं इसका आंसर। निम्न में से सल्फर डाई ऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैविक सूचक संकेतक के रूप में
किसे प्रयोग किया जाता है? तो लाइकेंस को प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है, बताएं इसका आंसर। तो समताप मंडल में जहाज उड़ाए जाते हैं। क्या? जहाज। इसमें समान तापमान होने के कारण समताप मंडल में जहाज उड़ाए जाते हैं, किसी को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। मध्य मंडल यह सबसे ठंडी परत है, कैसी है? सबसे ठंडी लेयर कौन सी है, क्वेश्चन आता है, तो मध्य मंडल है। इसी में उल्का पिंड, इसी में उल्का पिंड नष्ट होता है। क्या होता है? उल्का पिंड नष्ट होता है कौन सी परत में? मध्य मंडल में। इसके बाद आयन मंडल, आयन मंडल में संचार संबंधी समस्याएं, टेलीफोन, टेलीविज़न, ये सभी दूर संचार संबंधी संचार किस में होते हैं? आयन मंडल में। तो वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है, क्षोभ मंडल में। इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ पर आयोजित किया गया? कैनबरा, एम्स्टर्डम, बर्लिन, रेडियो, जेनेरियो, बताएं इसका आंसर। तो सर्वप्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में यह आयोजित किया गया। हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधे द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक, सर्वाहारी उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, कौन से होते हैं हरे पौधे? तो हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक को खाएगा, द्वितीयक तृतीयक को खाया, और ये तृतीयक सभी को खाएगा, वो सर्वाहारी उत्पादक होता है। तो इसका जो आंसर है, हरे पौधे होते हैं प्राथमिक उत्पादक। कैसे होते हैं? प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? मनुष्य तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, सर्वभक्षी उपभोक्ता, बताएं इसका आंसर। मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो मनुष्य सर्वभक्षी उपभोक्ता है। जो मनुष्य सर्वभक्षी उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, मनुष्य शाकाहारी, मांसाहारी सब कुछ खा लेता है, इसलिए सर्वभक्षी उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। मनुष्य कैसा है? मनुष्य सर्वभक्षी उपभोक्ता। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, मानव, बकर, सांप, बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी प्राथमिक होता है, मानव तृतीयक होता है, सांप द्वितीयक होता है। को
क्वेश्चन में पूछा है द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता, तो द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता सांप होता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा रूपांतरण होता है। उत्पादक की अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, या प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, या द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता, बताएं इसका आंसर। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा रूपांतरण होता है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है, मोर का पोषण तल कैसा है? प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, या प्राथमिक अपघटक, बताएं इसका आंसर। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, द्वितीयक चरण उपभोक्ता, तृतीयक चरण उपभोक्ता, उपभोक्ता या प्रथम चरण उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, बताएं इसका आंसर। जो शाकाहारी जंतु पौधों के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उनको प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? वन, घास का मैदान, झील, धान का खेत, बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? वन, घास का मैदान, झील, ये कैसे हैं? ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं, वन, घास का मैदान और झील। लेकिन कृत्रिम पूछा है तो कृत्रिम के अंतर्गत कौन सा आता है? धान का खेत। धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुष्का एकेडमी ग्वालियर चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सीटेट की निशुल्क तैयारी कराई जा रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रतिदिन क्लास का लाभ लें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।